खबर शामिल करते हैं कोटरी से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख का जिलानी हाउस कोटरी अमर। जिलानी हाउस पर पीटीए रहनुमा पीर मतरजी शाह जिलानी और पीर जमान शाह जिलानी यूसुफ को हाड़ों समेत कारकुनान का इस्तकबाल किया गया। अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सिंध हुकूमत ने करप्शन के तमाम रिकॉर्ड तोड़ चुकी है, करप्ट माफिया का नया टोला तैयार हो चुका है। वज़ीर-ए-आला सिंध के ज़िला में आटे की कीमत 75 रुपये किलो और पंजाब में आटे की कीमत 55 रुपये किलो फरोख्त हो रही है। वज़ीर-ए-आला सिंध ने पंजाब में महंगे और सिंध में सस्ते आटे की फरोख्त के झूठे दावे कर रही है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जश्न ईद मिलादुन्नबी के हवाले से इफ्तिताह कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आला हाउस में मंशात फरोशों को पनाह दी गई है और वज़ीर-ए-आला सिंध के ज़िला में पानी फरोख्त किया जा रहा है। नैब चेयरमैन नवाज शरीफ दौर में लगाया गया था। नैब के पास दायर इख्तियार कम होने से केसेस की जांच पड़ताल में ताखीर रहनुमा हो रही है। ज़िला जामशरू से ताल्लुक रखने वाले वज़ीर-ए-आला ने करप्शन के लिए मखसूस टोला बनाया है। टोले में दो खवातीन समेत दो मर्द शामिल हैं जिनकी शनादी जल्द की जाएगी। हलीम आदिल।